बेटर ग्रांड प्लान के ये साल ट्वेंटी right? right? जो फोर वो किसी काम के नहीं है इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन राइट तो अगर say, किसी को 10 किलो वजन घटाना है तो 10 किलो वजन घटाने वाला प्लान जो है वो चलो शायद अच्छा हो सकता है आपके लिए लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के अगर आप हर रोज दो किलोमीटर चलने के लिए जाते हैं तो ये दस किलोमीटर दस किलो वजन घटाने के प्लान से बहुत अच्छा है ये टू किलोमीटर वॉक राइट जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए टू किलोमीटर इज है वेरी गुड थिंग या मे बी वन किलोमीटर इज अ वेरी गुड थिंग राइट ये कुछ नहीं है वन किलोमीटर वॉकिंग इज इट विल टेक जस्ट अनदर मिनट्स मे बी मिनट्स बट इट्स वेरी बेनिफिशियल तो बड़े बड़े ग्रांड प्लान से अच्छे हैं छोटे छोटे एक्शंस राइट कीप दिस थिंग इन माइंड नाउ डियर फ्रेंड्स ये बात हो गई रोबिन शर्मा साहब की

यूनियन टेरिटरीज की जो खासियत है वो दिखाई जाती है इंडिपेंडेंस डे के दिन पर रिपब्लिक डे के दिन पर जो हमारा राजपथ है वहां पर निकाला जाता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक uh, इसमें गलतियां जो होती है तो वो कितनी भारी पड़ती है हमें वी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट देन हैव अ वेरी वेरी सैड टॉपिक बहुत ही दुखद आंकड़ा आ रहा है फ्रॉम हरियाणा रोहतक राइट ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो स्प्रेड इन हरियाणा चलिए इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं बैकग्राउंड में आप देखिए राइट यू कैन सी ए गर्ल चाइल्ड स्विंगिंग इट्स वेरी वेरी सैड थिंग के हमारे देश में इस प्रकार की चीजें चल रही है हमारे समाज में इस प्रकार की चीजें चल रही है और हमारे देश के किसी एक कोने में भी अगर इस प्रकार की चीजें चल रही है तो दैट मीन्स के पूरे देश में इस प्रकार की चीजें चल रही है देखिए मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में बहुत सारी अच्छी बातें हैं लेकिन हमें यह भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी आउटडेटेड चीजें भी हैं और सिर्फ हमारे नहीं दूसरे सारे कल्चर्स में आपको ये कुछ ऐसे रिचुअल्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही नेगेटिव रहती हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन लोग वो करते आए हैं तो फिर करते रहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वक्त था जब लोग जो है वो हमारे देश में सत्य सिस्टम को बहुत ही पवित्र माना करते थे लेकिन समय के साथ लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई ये बंद कर देना चाहिए ये बराबर नहीं है राइट वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें धीरे धीरे करके चली गई और नई नई चीजें आती गई नई चीजें सारी नई चीज़ें अच्छी भी हों ऐसा भी नहीं है सारी नई चीजें बुरी हों ऐसा भी नहीं है और सारी पुरानी चीजें सही ही हों और अच्छी ही हो ये भी बराबर बात नहीं है वी हैव टू क्वेश्चन भगवान ने कुदरत ने हमें इमोशन के साथ साथ लॉजिकल ब्रेन भी दिया है तो वो किस लिए दिया है ताकि हम दोनों का बैलेंस करके इस्तेमाल कर सकें तो यहां पर ये जो इश्यू है ना कि बेटियों को गर्भ में ही मारा जाता है पता चला कि बेटी है तो फिर मार डालेंगे मीन्स कुछ लोग तो ऐसी बातें बातें बाते भी करते थे कि कोई एक ऐसी चीज है कोई ऐसा मशीन है जिसमें बार बार एक स्लोक जो है वो बोला जाता है तो अगर गर्ल चाइल्ड है तो फिर वो बॉय चाइल्ड बन जाएगा उसका आ, क्या कहते हैं लिंग परिवर्तन जो है वो गर्भ में ही हो जाएगा मीन वाई यू नीड दैट कुदरत नहीं जो मीन्स एक तरफ सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाना या फिर मस्जिद में जाना ऐसे मंदिर आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट अबाउट जस्ट हिंदूज राइट सारे रिलीजन के बारे में मंदिर यानी कि एक पवित्र जगह जहां पर लोग जाकर पूजा प्रार्थना करते हैं तो वैसे ऊपर वाले की मीन्स ये कहना ये दो वो दो ये वो एक्सेट्रा सारी चीजें चल रही हैं फिर ऊपर वाला की मर्जी जब होती है तो उसको साइंस के माध्यम से चेंज करने की बात है आ जाती है तो दिस इज वेरी वेरी सैड तो सेक्स रेशियो एट बर्थ एस आर बी जो है जिसमें एक हजार लड़के जब पैदा होते हैं तो उनके कंपेरिजन में कितनी गर्ल्स पैदा होती है यह देखा जाता है तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो है आई एम श्योर यू नो रोहतक राइट वेरी फेमस फॉर रेस्लिंग्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के फोर्टी टू विजेस में ये आंकड़ा जो है इट वॉज बिलो एट यानी कि एक अगर बॉयज पैदा हुए तो उसी जगह पर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी गांव के अंदर 42 टू विलेजेस के अंदर 800 से भी कम गर्ल्स जो है वो पैदा हुई है सो दिस इज डार्क मीन अगर नेचुरली हम देखें तो कुदरत जो है वो इतना बड़ा इंबेलेंस नहीं करती यहां पर क्लियरली पता चल जाता है कि ये लोगों ने इसमें कुछ हस्तक्षेप किया है इसकी वजह से ये सिचुएशन जो है, वो हमें देख रहे मिल रही है दूसरा जो चिंता का विषय है वो यह है कि अब यह जो वरीसम ट्रेंड है यह आंकड़ा जो है यह फिफ्टी फोर में स्प्रेड हो गया पहले फोर्टी विलेजेस इन ट्वेंटी अब ट्वेंटी में फिफ्टी विलेजेस और अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोहतक बारह ऐसे डिस्ट्रिक्ट तो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एस का डेटा जो है वो इतने नेगेटिव आउटकम्स हमें दिखा रहा है तो हरियाणा जहां पर जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब लॉन्च किया तो स्टार्टिंग के टाइम पर हमें बहुत अच्छे आंकड़े भी देखने को मिले और काफी अच्छे इसके इसका प्रमोशन भी काफी अच्छा हुआ राइट राइट एडवर्टीजमेंट राइट मैसेज राइट स्टेप्स उठाए गए राइट तो ये सारी चीजें अच्छी चल रही थी फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि यहां पर इस प्रकार का एक ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है हरियाणा की बात करें तो देखिए 2022 में यह आंकड़ा 917 था और 2023 में दिस वाज 906 जीरो क्लियर ड्रॉप ट्वेंटी में कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार का एक स्क्यूट जेंडर रेशियो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ट्वेंटी ऐसे विलेजेस हैं वहां पर जिसमें एस आर बी जो है इट इज लेस देन फोर हंड्रेड मीन वो हंड्रेड से कम हाव दिस इज पॉसिबल नेचुरली इट इज नॉट पॉसिबल आर्टिफिशियली या फिर आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर यह बच्चा गिरा देना जि, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको फीमेल I mean, ये वर्ड याद नहीं आ रहा बट यू नो आई मीन राइट के जो अगर पता चला कि भाई बेटी है तो फिर बच्चे को गिराया जाता है थिंग दट इज गोइंग ऑन बी ओल नो और अनफॉर्चुनेटली ये चीजें समाज में इसलिए चल रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बेटे जो हैं उनको माना जाता है ये चीज है कि भाई हमारा वंश है भाई आप थोड़ी मुगल वंश के हो या फिर आपको थोड़ी दिल्ली में बैठना है दिल्ली आई मीन टू से भाई आपको थोड़ी कैसे सिंहासन पर बैठना है और वहां पर भी बैठना पड़ता तो भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश है अलग अलग राज्य है जहां पर बेटियों ने भी काफी अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल किया हमारे ऊपर हमारे पूरे देश पर जो राज हुआ तो आप देखिए कि उस समय पर जो क्राउन था इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय होम विक्टोरिया इज इट सो यह एक जो पितृसत्तात्मक सोच है इसको अब चेंज करने की जरूरत है एम नॉट कि वी शुड गो फॉर मातृ सत्तात्मक सोच जिस जगह पर जो कल्चर चल रहा है वो बराबर है केरला के के की कुछ सोसाइटी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे रीजन है बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहां पर मेट्रियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है लेट देम डू इट लेकिन वहां पर क्या लड़कों को मारा जाता है नो no. तो सेम थिंग जहां पर पेट्रीआरकल सिस्टम है वहां पर बेटियों को क्यों मारा जाए थिंग सो टूगेदर ऑल ऑफ फर्ट वी टू क्रिएट दिस अवेरनेस और इसमें एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में थोड़ी कम बात होती है बट आई वु एड इटर मुझे लगता है दहेज जो है ना दैट इज ऑल्सो बिग थे बेटी पैदा होगी तो फिर उसकी शादी करवाना इतना दहेज देना पड़ेगा राइट तो ये सारी चीजें तो दहेज के ऊपर तो बैन है ही राइट डावरी जिसको हम कहते हैं लेकिन एज वी ऑल नो के डावरी जो है डायरेक्टली इंडायरेक्टली ली ही जाती है कि भाई थोड़ा बहुत कहता है कि ये सामान वो सामान डिमांड नहीं करते लेकिन वो बेटी जब आती जो नई दुल्हन आती है तो अपने साथ कुछ अपना सामान लेकर आए चलो उनको जो नेसेसरी चीज़ें चाहिए वो लेकर आए लेकिन फिर ये चाहिए वो चाहिए ये सारी डिमांडें जो होती हैं तो ये फुलफिल भी नहीं होनी चाहिए ये थोड़े स्टैंड्स जो हैं वो लोगों को उठाने पड़ेंगे और आने वाले भविष्य में जो भी खास करके लड़के शादी करने वाले हैं तो उनके लिए भी ये एक एग्जाम्पल uh, है कि दे शुड टेक अ स्टैंड वो अपने फैमिली में कह सकते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी द ब्राइड मुझे सामान वामान ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं चाहिए तो दिस आर दीन्स दिस इज़ वन थिंग

राइट दे मीन बनाई सी आई नो मेनी पीपल इट्स नॉट लाइक आई हैंग एराउंड गाइज बट आई नो वैम कि उन्होंने ये चीजें जो है वो करवाई है विच इज ऑफकोर्स नॉट गुड एट ऑल विच इज नॉट एथिकल विच इज नॉट नेचुरल लेकिन ये चीजें हो रही हैं लॉज हैं रूल हैं और करने वाले जो हैं वो भी डॉक्टर्स हैं तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है वो ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं इन्फैक्ट सत्यमय जैसे जो शो आया था उसमें तो ये भी देखने को मिला था कि सबसे ज्यादा ये चीजें जो है वो पढ़े लिखे परिवारों में देखने को मिलती हैं क्योंकि जहां पर थोड़ी एजुकेशन कम है वहां पर थोड़ा ऊपर वाले का डर भी है यहां पर तो बहुत सारी जगहों पर ये डर भी नहीं है यू you नो know? तो एनीवेज देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं वी कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स बट यू ऑल आर मेच्योर आप मीन बहुत ही मेच्योर ऑडियंस हैं आप तो यू नो राइट के बहुत सारी ऐसी चीजें इस पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ी हुई है अब क्या करने लगे हैं कि हरियाणा में अगर टेस्ट या फिर ये आपको प्री नेटल सेक्स डिट्रमिनेशन टेस्ट नहीं मिल रही है तो फिर पंजाब चले जाएंगे उत्तर प्रदेश चले जाएंगे आजू बाजू के राज्य में चले जाएंगे और ये रैकेट जो है वो एक लंबे समय से चल रहा है इसमें नर्स स्टाउट्स हैं नर्सिस डॉक्टर्स ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं राइट जो प्रॉपर मेडिकल सेंटर्स नहीं है ऐसी जगह पर भी इस प्रकार की टेस्ट जो है वो हो रही है और ऑथोरिटीज जो हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहती है कुछ ना कुछ लोग जो हैं उनकी निगरानी में ही ये सारी चीजें चलती है वरना अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठान ले नॉट सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस चीज को प्रमोट करते होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर जो अवेयरनेस चाहिए वो अवेयरनेस भी नहीं होगी तो ये सारी चीजें चलती है स्ट्रिक्ट प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है उसके बावजूद भी ऐसी चीजें हो रही है दैट इज ए मौकरी अब रोहतक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो एक रिवॉर्ड अनाउंस किया है कि एक लाख रुपए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आपने राइट right इंफॉर्मेशन दी है तो अब देखिए मैनी अ टाइम्स रिवोर्ट सिस्टम वर्क लेकिन क्या होता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत ही like एक परिवार या फिर एक बहुत ही छोटे ग्रुप को पता है कि भाई उसका टेस्ट हुआ और बेटी डिटेक्ट हुई है और वो गिराने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उसी वक्त गिरा देते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत कम लोगों को पता रहती है परिवार के लोगों को या फिर यू नो लिमिटेड लोगों को तो वहां से अगर कोई इन्फॉर्म भी करेगा तो एक लाख रुपए के लिए वो अपने हमेशा के लिए जो रिलेशन है उसको नहीं तोड़ेगा तो कुछ ऐसी दिस इज अ गुड थिंग लाख से भी कई लोग जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और एक बहुत बड़ा रैकेट बस्ट हो जाएगा तो फिर इससे बहुत सारी बेटियों को हम बचा पाएंगे तो ये भी चीजें हैं आई एम नॉट इट विल नॉट वर्क ये चांसेस भी हैं इसके लेकिन द गुड थिंग इज कि जितनी चीजें पॉसिबल है इज नो वन परफेक्ट वे कि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कैंपेन्स करते रहेंगे तो उससे बदलाव होगा है तो कैंपेन के साथ साथ ये रिवॉर्ड सिस्टम उसके साथ साथ पनिशमेंट सिस्टम उसके साथ इन जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना लोग जो है वो एक्सटेंड ले क्रिएटिव हम नाटक करें नई फिल्में बने दर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू अबाउट इट इनफैक्ट इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ भी है कि अगर इन जनरल कल्चर लाइक के खुले में शौच और ये सारी चीजें जब बंद होगी तो बहुत ऐसी छोटी बड़ी चीजें जो है वो इंपैक्ट करेगी एंड वी हैव टू स्टॉप दिस थिंग राइट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल ये एक्सेप्टी एक्सेप्ट कहूंगा दूसरी जगह हम हमेशा, हमेशा के लिए खत्म कर दें नाउ लेट्स अबाउट दिस वन राइट ए मोस्ट स्ट्राइकिंग इवेंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब देखिए दोस्तों वी हैव uh, मैंने भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी लेक्चर बनाए हैं तो रामश्योर sure आपने देखे भी है तो यू नो किस रेबल्स है तो ये रेड सी में क्या क्या चीजें कर रहे हैं राइट नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्टीज देखिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स है दे दे मींस जो आर नॉट गवर्नमेंट ये कोई देश की सरकार नहीं है, ये तो है. इनके पास अब ऐसी ताकत आ गई है कि ये बैठे बैठे पूरी दुनिया पर एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं चलो उनका लोकेशन ऐसा है लेकिन ऐसे लोकेशन पर बैठकर वो ग्लोबल इवेंट्स को शेप कर रहे हैं ग्लोबल इवेंट्स पर अपना वजन जो है वो डाल रहे हैं कितने लंबे समय से ये येमेन में सिविल वॉर चल रहा है आपके लिए एक प्रश्न है प्रश्न का जवाब जो है वो आप सभी को देना है में जो सिविल वॉर की शुरुआत हुई तो उस समय पर भारत की सरकार ने एक हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चलाया था इस मिशन का नाम क्या बताइए वोट इज द मिशन जो हमने येमेन में कंडक्ट करवाया था तो ये जो हाउथिस है ना ये सना जो कैपिटल है यमन का उसको और इसी के साथ साथ उसके साथ सटा हुआ जो रेड सी वाला पोर्शन है उसको भी कंट्रोल करते हैं अब सऊदी अरेबिया की सरकार जो है वो इनको रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर हो गई है मीन अभी नेगोसिएशन चल रहे हैं और ईरान जो है वो क्लियरली ओपनली हाउथ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है अब देखिए दिस इज मैप ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी दिस इज गल्फ ऑफ एडन लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन दॉट रिक्वाड यू कैन सी दर्कल तो ये अरेबियन सी है ये वाला जो आइलैंड है ना

जी यहां पर ये यह सारे लोकेशन आप जानते हैं अच्छी तरीके से गल्फ ऑफ एडन हियर राइट ये आने जाने का रास्ता तो यहां पर ये यह आखिरी पास्ता जो है ये बहुत ही इश्यूज क्रिएट कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं जनरली तो ये क्या है इनका कि भाई छोटे बड़े फॉर एग्जांपल नॉट छोटे बड़े ये नाइन वन वन वो बिग थिंग राइट फिर हमारे देश में ट्वेंटी सिक्स इलेवन जो किया दैट इज ऑफ कोर्स ए बिग थिंग फिर लेकिन इनकी इंपैक्ट जो है ना वो लिमिटेड रहती है राइट ये ग्लोबल इवेंट्स पर इतने ज्यादा भारी नहीं रहे हैं अब आप देखिए जो बड़े बड़े मुसलमानों के देश है जैसे कि टर्की इजिप्त जॉर्डन सऊदी दूसरे गल्फ के स्टेट्स ये हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो इसमें ये बड़े बड़े मुस्लिम देश जो है वो स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहे हैं सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कह रहे हैं कि भाई सीज फायर हो जाए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये सारे देश जो है ये सिस्टम है यहां पर भले राजाशाही हो लेकिन है तो ये देश लेजिट कंट्री है तो इनके हाथ तो मीन्स मीनस आप यू कैन अंडरस्टैंड ना कि अगर आप बॉक्सिंग मैच में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल तो जो बॉक्सर होता है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है लेकिन स्ट्रीट फाइट में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो बॉक्सर जो होगा तो वो आपको कमर के नीचे लाते नहीं मारेगा इज विल जस्ट यूज हिज हैंड्स राइट टू बॉक्स लेकिन जो स्ट्रीट फाइटर है वो तो पत्थर उठा, उठा कर भी मारने लगेगा कुछ भी वो उसके हाथ में जो भी आया वो आपको मारेगा तो एक तरफ आप रूल्स में बंधे हुए हैं तो ये सारे देश जो है वो ऑफकोर्स कंट्रीज हैं तो वो रूल्स के हिसाब से चलते हैं और ये नॉन स्टेट एक्टर्स में देखिए तो इनके के लिए कोई रूल्स नहीं है और ये सारे देश जो है इतने ताकत और इतने वाले देश, फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट और यहां पर ये नॉन स्टेट एक्टर हाउथी जो है वो शिप्स को हाईजेक करने लगा की एक शिप जो है कार्गो इस्गोशिप जिसको हाईजेक किया उसके बाद इसराइल के साथ जुड़ी हुई जो भी शिपमेंट्स थी उनको हाईजेक करने की उसके बाद धीरे धीरे क्या किया उन्होंने ये धमकिया देने लगे कि भाई हम तो सारी शिप्स को यहां पर रोक देंगे पूरी दुनिया ये इसराइल को रोक लो वरना हम ये चीज करते रहेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं शिपिंग कंपनीज उनको रेड सी में अपने ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा बाबल मंदेब स्ट्रेट जो है तो यहां पर मल्टीपल अटैक्स किए गए हाउथईज के द्वारा और यूनो के बाबल मंदेब जो है एक बहुत ही क्रिटिकल शिपिंग चॉक पॉइंट है तीन बड़े चौक पॉइंट्स कहे जाते हैं वर्ल्ड के एक तो ये बाबल मंदेब है दूसरा है स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस और तीसरा जो है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका और रेड सी की बात करें तो जो सी बोर्न ऑयल है तो ये टेन परसेंट जितना यहां से पास होता है और ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक जो है थर्टी परसेंट जितना रेड सी से, से पास होता है राइट सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर ये जगह तो यूएसए ने एक मेरी टाइम को स्थापित किया दस देशों को इसमें इन्वॉल्व किया लेकिन यूएसए और यूके दोनों देश सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी वॉरशिप्स भेजी है। बाकी के जो अरब देश है वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई यार इतनी बड़ी चीजें कर रहा है हमारा की तरफ से यही एडवर्टीजमेंट आती है कि भाई इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा चीजें कर रहा है मीन नो डाउट अबाउट इट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड जितने लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है गाजा में अभी तक इसराइल की स्ट्राइक जब से स्टार्ट हुई है तब से ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज यू कैन इमेजिन अ वेरी बिग नंबर राइट तो लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है राइट right? अपने अपने सेंटिमेंट हैं एंड दे आर नॉट रॉन्ग तो ऐसे समय में अरबिक देश जो है वो अपनी शिप्स को यहां पर डिप्लॉय नहीं कर सकते लेकिन हाउथीज देखिए हाउथीज जो है वो आई वुड से चिप थ्रिल उनकी जो एक लेट्स से हाउथीज जो ड्रोन यूज कर रहे हैं ना उनकी कीमत है दो हजार डॉलर कितने टू थाउजेंड डॉलर यूएसए जो मिसाइल यूज करेगा तो ये मिसाइल ट्वेंटी मिलियन डॉलर तक की भी हो सकती है सो सही हाउथी बैठे बैठे ऐसे ही दस ड्रोन को छोड़ देगा ऐसे दस दूसरी ऐसी अपनी वेपनरीज को यूज करेगा यूएसए कोई ऐसी अनलिमिटेड एक्सपेंसिव मिसाइल्स का इस्तेमाल ऐसे ही धड़ाधड़ा नहीं करेगा और क्योंकि यूएसए जो है यहां पर अपने बेस से थोड़ा दूर ऑपरेट करता है तो एक लिमिटेड उनके पास भी हथियार होते हैं ना एक वॉरशिप में तो वो सारे के सारे एक शॉट में ही यूज नहीं कर फिर फिर से जाकर लोड करना है तो सो यू कैन सी कि ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की शुरुआत हुई है कि पहले क्या था कि जितने ज्यादा आपके पास तीर हैं तो उतनी ज्यादा फाइट दे पाएंगे राइट उतने ज्यादा ताकतवर इट्स नॉट लाइक दैट एनीम और कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ये हमाश जो है इसराइल के पास क्या नहीं है और हमारा के पास क्या है पर पिछले तीन महीनों से हाइड एंड सिख जो चल रहा है तो इसमें इसराइल जो है उसको कितना बड़ा हर रोज यू you नो know, बहुत बड़ा खर्च टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन डॉलर का खर्च, हो, खर्च होता है इसराइल को हर रोज और ये तीन महीने से यह कर रहा है तो इमेजिन के कितने पैसे इसराइल ने यहां पर खर्च किया है और ना तो ये जो ये हाउथिस हैं या फिर इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना तो उनको यूएन की कोई चीज फॉलो करनी है ना तो डिप्लोमेसी ना तो सैक्शन उन पर लगते हैं उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है राइट right? और ये हमास की अगर मैं बात करूं तो उनका जो अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है उसके बारे में यह बताया जाता है कि लंडन जो है ना लंडन की जो ट्यूब है उनकी जो मेट्रो अंडरग्राउंड ट्रेन उनका जितना अच्छा नेटवर्क है उससे भी बड़ा नेटवर्क ये हमास ने यहां पर क्रिएट किया है गाजा में यू कैन इमेजिन के वो कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये टनल और ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक टनल्स और अर्बन वॉरफेयर ये चीजें वहां पर यूज की जा रही तो बहुत ही एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो यहां पर आज हमें देखने को मिल रहा है ये एक नया एंगल थाउट राइट शो ऑफ फेयरनेस आई विल वेरी क्विक हियर राइट डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली ये तय किया है कि अब जो रिपब्लिक डे है तो इसमें जो तो मीनस रोटेशनल प्लान से चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा और आने वाले तीन सालों के अंदर सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उनको चांस मिलेगा कि वो अपने अपने राज्य की जो खास बातें हैं खास चीजें जो है तो उनको डिस्प्ले कर सके और यहां पर लक्ष्य यही है कि जो टेबल्यू है तो उसके सिलेक्शन में कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है तो ये कंट्रोवर्सी को साइड करके जो बेस्ट है वो चीज हम रिप्रेजेंट कर सके थे थिंक ये देखिए दिस इज अगेन ए रियलिटी यूपीए के समय पर भी ऐसा होता था कि बीजेपी के द्वारा जिन राज्यों को चलाया जाता था तो उनके द्वारा जो रिक्वेस्ट आती थी तो उनको रिजेक्ट किया जाता था सेम थिंग इज गोइंग ऑन दिस टाइम इज वेल तो बेसिकली ये तो हमारा देश ही है पूरा देश है देश के अलग अलग राज्य हैं हमारे राइट right? तो ये सारे राज्यों की जो भी खास बातें हैं वो सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है तो उनको तो एक uh, um, क्या कहते हैं स्टेज मिलना ही चाहिए अब ऑपोजिशन रूल दिल्ली पंजाब कर्नाटका वेस्ट बंगाल इनका कहना यह है कि भाई हमने जितने रिक्वेस्ट भेजी थी तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी रिजेक्ट कर दी है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यू नो दिस इज नॉट गुड ये हमारे देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है लेकिन अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि आने वाले समय के अंदर सारे के सारे राज्यों को रोटेशनल बेसिस पर उनको चांस मिलेगा तो चलो इट इज़ ए गुड थिंग और हमारे ही राज्यों का प्रमोशन होगा भाईचारा बढ़ेगा नेशनलिज्म बढ़ेगा राइट लोगों को देश के प्रति अलग अलग राज्यों के प्रति हमें पता चलेगा कि चलो इस राज्य की ये बात है खास करके बच्चों का हो भाई हम तो पता है यू you नो know, आप देखोगे तो आप बता पाओगे कि भाई ये गुजरात का है आसाम का है डब्ल्यू राइट लेकिन जो नए बच्चे हैं जब हमें कैसे पता चलने लगा क्योंकि वो देखते रहे ना हम धीरे धीरे करके जैसे बड़े होते गए देखते गए तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है तो वही ऑटोमेटिक पता जो है वो हमारे आने वाले या फिर अभी के जो यंग बच्चे हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए तो ये सारी फेस्टिविटीज जो है, ये फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सी होनी चाहिए लेट्स होप के हम सब राइट एज ए कंट्री हम सब सूझबूझ से और सेंसिबिलिटी से इन सारी चीजों को हैंडल करें थिंक देन बिल्ड जी हाँ सोचिए और फिर बनाइए राइट right? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वैसा नहीं है पहले सोचिए और फिर बनाइए कोई कनेक्शन नहीं है इसका बहुत खराब जोक मारा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कॉस्ट अ लॉट मोर बिकॉज प्लानर्स की यहां पर क्या है पता है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है मीनोर्स प्लानिंग से बनाते हैं बनाने के बाद पता चलता है कि भाई इसमें इतने सारे फोर्स है फिर उसको फिर से रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकाला जाता है रोड्स में भी ऐसा है हमने इसकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि आई वॉज हैदर के, के भाई कैसे क्यों रोड्स में ऐसी चीजें हो रही टोल अबाउट करप्शन एंड थिंग्स रिमेंबर किसी भी देश के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है किसी भी देश के पास नहीं है तो जो है उसका सदुपयोग हमें करना है चारधाम हाईवे जो है तो उसमें भी सरकार ने क्या किया, किया कि बड़ा एक हाईवे था बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाते तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वॉट यू विल डू विथ जो एनवायरमेंट को बाईपास करके आप कुछ करेंगे तो फिर उसकी इंपैक्ट क्या आएगी आप पर राइट एक्सीडेंट्स वी हैव सीन अभी नॉट एवेक्टली बट ये लैंडस्लाइडिंग uh, exactly, uh, जो हुई तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिले अब कुछ ऐसी जगह है जहां पर सिटी के अंदर अर्बन एरिया के अंदर फ्लडिंग्स हो जाती है आपने अंडर ब्रिज बना लिया ओवर ब्रिज बना लिया उस समय पर तो बहुत ही ग्रांड लग रहा था लेकिन फिर पता चला कि फ्लडिंग के टाइम पर तो ऐसे कैलकुलेशन किए बिना जो भी हम चीज करेंगे उसके रिजल्ट्स यही हमें देखने को मिलेंगे और इवेंचुअली जो खर्च आपने पहले किया उससे टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थोड़ा टोटल प्रोजेक्ट का लेट्स एक हजार करोड़ है तो आपको सौ करोड़ का खर्च करके फिर उसको रिपेयर करना पड़ता है सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज रिमेंबर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो जो प्लानर्स हैं वो थोड़ा और अच्छी तरीके से प्लान करें दुनिया के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर जाकर हम चीजों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं बहुत ऐसे शहर हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट अच्छे शहर राइट right? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एडन सिटी जो है ना अभी हम येमेन देख रहे थे येमन का जो एडन सिटी है उसको हमारे ही एक सिविल इंजीनियर ने वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और यही इंजीनियर साहब हैं जिनके नाम पर हम हर साल इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश में डू यू नो दिस तो ऐसे इंजीनियर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं थे उसके बावजूद हम दूसरे देशों में अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं हमारे यहां पर क्यों नहीं तो ये चीज जो है ये चेंज होनी चाहिए वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी जरूरत हो ऐसी चीजें और बार बार जिसको हमें चेंज ना करना पड़े सो दैट्स एवरीथिंग इन टूडाइज डिस्कशन थैंक यू वेरी मच गॉड प्लस यू ऑल जय हिंद